राधे राधे गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और राधा रानी का नाम जप कर रहे हो कि नहीं? आप करते रहना, ठीक है? तो ये देखिए, आज मैं अपने लाला को खिलाने जा रही हूँ ये मटर और चिवड़ा। ये बिहार का फेमस नाश्ता है। इस मटर को छौंक देंगे। तो मैंने मटर धो के छान ली है और इसमें हरी मिर्च काट ली है, ठीक है? और ये है जीरा। इसमें जीरा की क्वांटिटी ज़्यादा डालूंगी, हींग की भी ज़्यादा डालूंगी, और ये है लाल मिर्च, तोड़ के डाल दी मैंने दो। तो अगर इसमें आप ना मटर छौंकते समय जीरा की क्वांटिटी ज़्यादा डालोगे ना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे मैं छौंक रही हूँ, आप देखिए कैसे, ठीक है? और थोड़ा सा जीरा डाल लेती हूँ तो सही रहेगा। सरसों तेल मैंने ये गर्म कर लिया है। अब इसमें डालिए जीरा, हींग, लाल मिर्च, ठीक है? जीरा ना जल ना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जीरा ही जला देते हैं। अब जीरा बन के अच्छे से हो चुका, चटक गया है, तो इसमें डाल दीजिए। मटर और छोड़ा, ये इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या बताऊँ। एक बार हुआ ये कि मैंने ना मटर, मैं हमेशा मटर पास में बनाती हूँ, तो मटर मैंने छीन ली और मैं उसको भूल गई तेल में रखी। मेरे ना भूलने की आदत है, कोई भी बनी थी और ज़्यादातर मैंने भूल गई थी। कम से कम मैंने छीन थी 50 किलो, इकट्ठी करी थी 3 किलो, इतना 50 किलो नहीं छीनी थी, 3 किलो मैंने इकट्ठी कर ली थी, ठीक है? और वो मैं भूल गई, सारी मटर मेरी खराब हो गई, फिर की स्मेल आ गई। मेरा तो बिल्कुल पूछो मत, इतना मुझे बुरा लगा था। फिर मैं ये वीडियो करी, जब मेरी वीडियो नहीं बनी, मैं नमक का डिब्बा खोल लूँ फिर बताती हूँ उसको। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, मटर बन गई। फिर वो मटर ना मैंने बहुत देखा, वो गर्म करके लाल मिर्च डाली थी, ठीक है? गर्म करी, खोलाई, देखी स्मेल चली जाए, तीन तीन बार मैंने वेनेगर भी डाला, लेकिन वो मटर मेरी पूरी की पूरी 40 किलो तक खराब हो गई। बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सबसे ना मटर छीनना बंद कर दिया। अब ये भी छीनना बंद कर दिया, ठीक है? बस इसको ढाल देंगे, हल्की कर देंगे गैस की फिल, और ये मटर बनेगी। फिर मैं आपको छोड़ा दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। इतना काम था ना, मैंने गंदा शिफ्ट करा था, दूसरा पेड़ दूसरे में डाला, वो दूसरा गंदा, एक गंदे में पेड़ करवाया था, उसकी मिट्टी निकल गई थी, उसी मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट करा था। बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा आसन, गमले को शिफ्ट करके नहीं थक गई, बहुत काम किया सफाई का। शरीर में जान लगी, हम औरतों को भी ना, चाहे शरीर में जान हो या ना हो, लेकिन काम तो करना ही होता है। आप लोग के संग भी ऐसा होता है, कितने भी थके हों लेकिन काम करना है, लेट नहीं सकते, है ना? तो अब चलिए इसको ढांक देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब इसको ढक देते हैं, ठीक है? ये देखिए पोहा मैंने रखा है छन्नी में, इसको छानना है। इसको इस तरह से छान लीजिए पोहे को, ठीक है? तो जो इसमें थोड़ा सा बुरादा होता है ना, वो निकल जाता है। देखिए ये निकल रहा है ना, इस तरह से। बड़ी वाली छन्नी मेरी गीली हो गई है, तो मैं इसमें ही कर ले रही हूँ छोटी वाली। मैंने तो थोड़ा थोड़ा होगा और क्या। अब ये कढ़ाइया देखिए, इसमें कोई तेल नहीं है, इसमें डाल दीजिए। कढ़ाई को गर्म कर लीजिए और गैस ऑन कर दीजिए। पानी ना हो इसलिए गर्म कर लीजिएगा पहले, यानी कि पानी हो। अरे भाई जल जा जल जा, चलता क्यों नहीं है कभी कभी? जल गया। तो इस तरह से पोहा मैं इसमें डाल रही हूँ और छान के, ठीक है? फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना सारा मैंने पोहा ये कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको करना ये है कि गैस देख रहे हो ना कितनी हल्की जल रही है। अब इतनी हल्की गैस में इसको इस तरह से बस चलाते रहना है, बिना तेल के इसको रोस्ट करना है। कहने का मतलब है ये, अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा तेल भर जाएगा, ऐसे हमको खाना नहीं है। तो क्या आपने इस तरह से खाया है कभी? अभी मैं आपको दिखा दूंगी, आप देखते रहना। इसको बस चलाते रहना है, कभी गैस तेज कर लिए, कभी हल्की कर लीजिए, जल ना पाए, और इसको इस तरह से रोस्ट करना है, ठीक है? तो ये हो रहा है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। पता क्या हुआ, ये किसी ने मुझे ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा दिया था, ठीक है? दिवाली में दिया था, मैं रख के भूल गई, और सारे के सारे जो है ना, ये सब बेकार हो गए। देखिए ना कैसी शक्ल हो गई है, पिछते तो बिल्कुल सील गए। अब क्या करें इनका, किसी को भी देंगे तो वो उसे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ किशमिश को धो लूँगी, ये भी धो लूँगी, ये भी धो लूँगी, पिश्ते को कढ़ाई में करके देखते हैं, नहीं तो माइक्रो और ये ओटीजी में, ये सही है, ओटीजी नहीं, एयर फ्रायर में, एयर फ्रायर है ना यार, इसमें करूँगी रोस्ट।
देखते हो जाएगा, ये सही है। देखिए कितने डिब्बे फैल गए। अब मैं मोबाइल बंद कर दूँ तभी तो डिब्बे सब बंद कर पाऊँगी, ठीक है। इसको चला लेते हैं इसी स्टेज में ना, चाहे किसी भी स्टेज में जब आपका मन करे, तो सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। ये मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, और अगर आपको खाना है लाला को खिलाने के बाद, आप पता क्या करना, ये मटर चूरा प्लेट में रखना, एक साइड में मटर एक साइड में चूरा, और हरी मिर्च काट लेना और थोड़ा कच्चा प्याज काट लीजिएगा, और फिर मिला के खाइएगा अदरक वाली चाय के साथ। याद रखोगे आप मुझे, इतना टेस्टी नाश्ता लगता है ये, ठीक है। एक तो मैंने आपको वो बताया था दही चूड़ा और गुड़ वाला, शायद मैंने अभी आपको भेजी नहीं है वीडियो, डाल दूंगी, समय मिलता ही नहीं है, इतनी सारी वीडियो पड़ी है डालने के। घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरी उम्र यही होता रहता है, काम वाली आती है घर साफ करती है, और पता नहीं क्या चक्कर है इतना कूड़ा निकलता है, पता नहीं इतना ये देखिए मैंने यहाँ पे गीला पायदान डाला है इसलिए ताकि मंदिर में अगर जाएं तो पैर यहाँ से पोंछ के जाएं, ठीक है। मेरे लाला बैठे हैं वहाँ पे, अभी मैं लाला को नाश्ता कराऊंगी, और ये सो रहा है, इसके पेपर ना ख़त्म हो गए हैं तो ये घोड़े बेच के सो रहा है, इसकी कल चोट भी लग गई थी, गिर गया था ये तो पैर में मोच भी आ गई है। आज मैंने पता क्या करा, देखिए मैं जो आपको दिखा रही थी गमला, मैं दिखाती हूँ ये वाला गमला है ना, ये वाला इस गमले को पहले ये इसमें लगा था, और इसमें पानी हमेशा नीचे से निकलता रहता था, पूरे में मिट्टी फैलती थी, तो ये गमला यहाँ लगाया, इसमें से डाली तोड़ के उधर लगा दी ऊपर, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे लगा दी, ठीक है। एक और टूटी थी, इधर उधर कहीं लगाई थी, ये वाला पेड़ बहुत आसान है, देखिए ये कितनी ईजिली लग जाता है, ये है ना, ये मेरे पे बहुत छोटा सा था, मैंने लगा दिया इसको, तो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। आज बालकनी पूरी साफ़ करवाई थी, क्योंकि देखिए बोलो भी कितना काम करेंगी, थक जाती हैं, बूढ़ा भी धोया था तो उधर रख दिया। ये सोसाइटी है हमारी, सबके घर में कपड़े टंग गए हैं, धुलाई हो रही है, नहा रहे हैं, पता जब मुझे लेट हो जाता है ना तो मैं सबकी बालकनी में देखती हूँ, बाप रे सबके कपड़े टंग गए हैं, सब लोग नहा चुके हैं, और मैं कितनी लेट हो गई। तो हम सब औरतें यही करते रहते हैं, ज़िंदगी बीत जाती है, ये कपड़ों का ढेर लगा ना प्रेस वाले के लिए रखे हैं, तो हम सब औरतों की ज़िंदगी यही ऐसे ही बीत जाती है, यही करते करते, है ना, ये सोचते चलो काम करके तैयार हो जाएंगे, काम करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन ना उम्र बीत जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं मुँह पे, काजल रखा रह जाता है, लिपस्टिक रखी रह जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये सामने सोसाइटी मतलब सामने भी टावर खड़े हैं, और मुझे ना ये पसंद नहीं है सामने टावर, पर्दे हटा ही नहीं सकते, सब देख लेंगे इसलिए। और ये देखिए ये मेरा चश्मा ना टूट गया हुआ, ये मैं इस पर बैठ गई, पीछे रखा था टूट गया, मुझे दिखता भी नहीं है जल्दी से, दूर की कमजोर है मेरी नज़र। तो यही चल रही है दिनचर्या हम सबकी ज़िंदगी की, आप लोग की कैसी होती है बताइएगा, ठीक है। और ये पतिदेव हमेशा कोट यहीं टांग देते हैं, इसके नीचे एक और पड़ा है टंगा हुआ, तो एक तरीके से देखे जाए तो हम लोग पागल ही हैं, सफाई करते हैं बैठ जाते हैं, सफाई करते हैं बैठ जाते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, नहीं। अरे ये तो भूल ही गए, इसको चलो चला देते हैं, चला तो नहीं है, गैस हल्की कर रखी थी। अब मटर की क्या कंडीशन है, बन रही है, तो आप इसको ना इस तरह से देख लीजिए, उठा के ऐसे करके देखिए कि ये चूड़ा हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो इसमें अब तेल डाल दीजिए इस स्टेज में, तेल मतलब सरसों तेल नहीं, रिफाइंड डाल दीजिए जो आपके पास हो, मेरे पे है मूंगफली का तेल तो मैं वही डाल रही हूँ, तो मैं इसको ऊपर से डाल दे रही हूँ, देखिए कितना कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ, और बस इतने में ही ये चूड़ा है ना अच्छे से बन जाएगा, अगर इसको डीप फ्राई करते ना तो बहुत ज़्यादा तेल लगता, तो बस इस
तरह से आप कर लीजिए, चला लीजिए। इसमें मैंने नमक डाल दिया है, अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी पिसी हुई, और मटर में भी डालूंगी, मुझे काली मिर्च ना बहुत पसंद है। तो इस तरह से बनाना है, और मटर सूख गई है उसके बाद लाला के लिए परस लेंगे और लाला को खिला दूंगी। पहली बात तो ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बताते ही नहीं हो, देखने के बाद आप चुप होके बैठ जाते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो में जो भी कमी है बता भी दीजिए, और आपके अंदर अगर कुछ कमी हो लाला की सेवा में तो उसको भी सही कर लीजिए, ठीक है। और करना क्या है, जब हम खाना बनाना है तो हमें राधे 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 मेरी राधे कृपा करो राधे कृपा करो राधे। ये देखिए मटर में जीरा कितना सारा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जीरा ज़्यादा डाला है। अगर आप कम डालोगे जीरा तो स्वाद ही नहीं आने वाला, इसलिए आप अच्छे से जीरा डालिए, हींग डालिए। और इसमें अभी मुझे काली मिर्च डाली है, तो मैंने आपको बोला है पानी है ना, अभी गल रही है मटर, ठीक है। और ये देखिए मैंने और भी मटर छील के रखी है। हमारे घर मटर आती ही इसलिए है कि हम चूरा मटर खा सकें, तो समझ लीजिए आप ये कितना अच्छा हुआ। तो आप लोग भी इसको खा के देखिएगा, ठीक है। मेरी ना आदत हो गई है हर चीज़ धोने की। ये आलू थे, इनको धो के रख दिया, और ये आप केले के धो के रख दिया, खीरा धो के रख दिया। जब से कोरोना आया है तब से सफाई बहुत अच्छे से होने लगी है सबके घरों में, है ना। जो नहीं भी करते थे वो लोग भी खूब करते हैं सफाई। ये बात अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात है, सफाई तो होनी ही चाहिए, है ना। ये देखिए मटर बनके तैयार हो गए, लग रही है ना बढ़िया। तो इसे देख के कोई भी लालच नहीं करेगा, ये मेरे लाला राधा रानी का भोग बन रहा है। हर बार मैं यही बताती हूँ तो आप लोग राधे राधे बोलते जाइए। और ये देखिए जीरा है ना, कितना सारा जीरा है ये। इसमें जीरा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है ना मटर में, तभी मटर में स्वाद आता है। तो चलिए अब मैं लाला की प्लेट लगा लेती हूँ, राधे राधे बोलते रहिए। आपके जो लाला है ना वो मेरे भी हैं, तो आप उनको ज़रूर से ये मटर चूरे का नाश्ता कराना, ठीक है। और मैंने लाला के लिए बना ली है ये लस्सी रुआबजा वाली, मटर चूरे के संग खाएंगे वो मज़े से मेरे लाला। किसी को लालच नहीं करना है, राधे राधे बोलना है सबको, राधे राधे, सब लोग राधे राधे बोलते रहिए। तैयार हो गया मेरे लाला का नाश्ता, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। राधे राधे बोलना है, कोई भी मुंह में पानी नहीं लाएगा, ये लाला का भोग है, ठीक है। और ये लस्सी आपको पता है मैंने क्यों बनाई है, अगर मेरे लाला को ये मटर चूरा खा के मिर्च लगेगी तो वो ठंडी ठंडी लस्सी पीते जाएंगे। मैं लाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, ये सोचती हूँ कि क्या चीज़ खा के उनको मिर्च लगेगी, तो पास में उनकी ये चीज़ होनी चाहिए तो उनकी मिर्च भुज जाए। इसलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान रखा करो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको खा के बहुत प्यास लगती है, तो हमेशा पानी रखिए। तो अब हम चलते हैं, लाला का नाश्ता हो गया है तैयार, अब लाला को देने जा रहे हैं, ठीक है। राधे राधे, खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए, और हर सांस पर राधा नाम रटते रहिए, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी से द्वेष मत रखिए, गाली गलौज गुस्सा नफरत कुछ मत करिए, सिर्फ प्रेम करिए, सबकी हेल्प करिए, और मेरे लाला की सेवा करिए, और हर सांस पर राधा नाम रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए।